कुट्स हजारी प्रसाद द्विवेदी वेलकम फोल्डेड हैंड्स। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के बाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़, झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टाने और बीच बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती। रस कहाँ है? ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या या मस्तमौला हैं? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरी पैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथ ही, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है। व्हाट्स देयर इन ए नेम, नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोधता, विजितत्पा, अलकावतंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुत भय, गिरिगौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथा नाम गतिर्न विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुट्स है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुट्स है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुट्स ही हो, विरुद्ध तो निस्संदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज कुट्स है, मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया, उल्लास लोल चारुस्मित कुट्स। जी भर आया,
कालिदास ने आषाढस्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कंबख्त को ताजे कुछ पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुछ के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापिन अस्तंगमित महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे, अपने ही हाथों इस कुछ पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुत्स ने उनके संतृप्त चित को सहारा दिया था, बड़भागी फूल है यह। धन्य हो कुत्स, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूँ, पर काहे वास्ते। लेकिन बुरा भी क्या है, कुत्स के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया, हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता, उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुत्स को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया वे रहीम अब बिरछ का, जिनकर छांह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत, सेनहोर कुत्स करीर। गोया कुत्स अदनासा, बिरछ हो, छांह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुत्स का क्या तुक है। कुत्स अर्थात जो कुत से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुत्स कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है। घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुठारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या। घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुत्स के सिलसिले में, न फूल कुत्स के फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुत्स तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य हैं। कहां से आया, मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप से प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुत्स रूप भी मिलता है और कुटज भी मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है। आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वही का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भारत की अनेक जातियाँ वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं।
शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुडमल, कम्बू, कम्बल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुछ भी हो तो क्या आश्चर्य, संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुछ का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुछ है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निःश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वतनंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी, नीरस, कठोर। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिरपरिचित दोस्त कुत्स। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्पस्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को छूस कर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुत्स का यही उपदेश है। भित्वा पाषाण पितरं छित्वा प्राभंजनी व्यथम पित्वा पाताल पानीयम कुजत चंबते नभः। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेलवेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीवेशा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है, याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्कामार ढंग से कह दी थी वो अंतिम नहीं थी। वे आत्मा का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो व्यापक है।
अपने में सब और सब में आप इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है वो मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि मलान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है, कुछ क्या केवल जी रहा है। वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। उद्धरण, सुख वा यदि वा दहखा प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम प्राप्तम उपासित हृदयेना प्राजिता हृदयेना प्राजिता। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुत्स को देखकर रोमांच हो आता है, कहां से मिली है यह कुतभया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नित्रा गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छिंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुछ इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नहमात्मार्थमिच्छामि मनोनित्यम मनोन्तरे, मनो में निर्जित तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। कुछ अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो। Thank your folded hands.